सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो आई होप कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आगे भी ऐसे रहेंगे। तो गाइस, हमारा जो बड़ी मार्ट का स्टोर है वो यहाँ पे कब अपडेट होने वाला है, इसकी जो कन्फर्म डेट है वो निकल के आ चुकी है। और इसके अंदर आपको कौन कौन से जो कन्फर्म रिवार्ड मिलने वाले हैं वो भी दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे M10 स्किन के रिटर्न के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो M10 की स्किन है वो यहाँ पे रिटर्न पे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट फेड व्हील के बारे में। तो इंडिया सर्वर के ऊपर जो नेक्स्ट फेड व्हील है वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों जो अपकमिंग इवेंट है, जैसे कि हमारा इवो वॉल्ट का इवेंट हो गया, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ न्यू बंडल वगैरह और जो है कुछ न्यू गन स्किन वगैरह का जो इवेंट आने वाला है उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आज हमारे गेम के ऊपर आ चुका है हाइपर बुक का टॉप अप इवेंट। तो आपने दोस्तों देख लिया होगा कि जो हमारी लिमिटेड एडिशन की हाइपर बुक है ये यहाँ पे काफी ज्यादा ओपी लग रही है। तो अगर दोस्तों आपको निकालना है तो इसको आप टॉपअप करके निकाल सकते हैं, वरना अगर आप इसको अभी नहीं निकालना चाहते हैं तो टॉपअप के बाद ही आपको स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगी। आप स्टोर से भी परचेस करके इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन स्टोर में ऐड होने के कुछ ही दिनों के बाद इसको रिमूव कर दिया जाएगा, फिर ये आपको कभी भी हमारे गेम के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये अपना जो है हाइपर बुक का नया सीन निकल के आ रहा है, तो ये सिर्फ आपको एक ही बार गेम के ऊपर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको निकालना है तो आप इसको परचेस कर सकते हो। बाकी आपको हाइपर बुक कैसे लगी कमेंट करके बता देना। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं M10 स्किन के रिटर्न के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों एक न्यू रिंग इवेंट दिया गया, आप स्किन के ऊपर देख सकते हैं, जो हमारे इनक्यूबेटर की स्किन है इसको यहाँ पर रिंग इवेंट के ऊपर डाला गया है। आपने स्पिन वगैरह करना है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वरना दोस्तों आप जो है टोकन वगैरह से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी ओपी सा जो M10 स्किन का फेड व्हील है, नहीं हमारा जो रिंग इवेंट है दिया गया है। तो आने वाले टाइम के ऊपर दोस्तों आपको ये जो रिंग इवेंट है, या फिर जरूरी नहीं है कि रिंग इवेंट के ऊपर ही आए, आपको ये जो स्किन है वो यहाँ पर रिटर्न पे देखने को मिल सकती है। अब क्यों देखने को मिल सकती है देखो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो मई मंथ आ रहा है यहाँ पे आपको M10 14 की जो ईवो वाली स्किन है उसका 2.0 वर्जन देखने को मिलने वाला है। तो जब कोई भी नई स्किन आती है तो गरीना वाले क्या करते हैं कि ओल्ड स्किन को बेच के पैसे कमाते हैं, फिर नई स्किन को लाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों नई स्किन आने से पहले हमारी जो ग्रीन फ्लेम ड्रैको की स्किन है वो भी आपको रिटर्न में देखने को मिलेगी, और ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो इनक्यूबेटर की स्किन है ये भी आपको रिटर्न पे देखने को मिल जाए। तो बाहर के सर्वर के ऊपर रिटर्न आना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको अप्रैल मंथ के लास्ट में या फिर मई मंथ के स्टार्टिंग पे हमारी जो ग्रीन फ्लेम ड्रैको वाली जो ईओ M10 की स्किन है और जो हमारी इनक्यूबेटर की स्किन है वो आपको यहाँ पे रिटर्न पे देखने को मिल सकती है। और जैसे ही रिटर्न में आ जाएंगी फिर उसके बाद हमारी जो ईओ M10 14 2.0 है वो आपको हमारे गेम के ऊपर देखने को मिलेगी। तो ये रहा गरीना वालों का बिजनेस प्लान। तो आप लोग दोस्तों बताना कि यहाँ पे अगर स्किन रिटर्न पे आती है तो आप जो है कौन सी स्किन को लेना पसंद करोगे, पुरानी स्किन लोगे या फिर जो हमारी नई स्किन आने वाली है उसको लोगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर पैसा लगा ही रहे हो तो नई स्किन के ऊपर लगाना, ताकि आप जो है इन्जॉय भी अच्छे से कर पाओ। तो अभी दोस्तों बात करते हैं आने वाले नेक्स्ट फेड व्हील के बारे में। तो इंडिया सर्वर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है हमारा रिप्टाइड वैनगार्ड बंडल। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप जो बंडल देख रहे हैं यह है हमारा रिप्टाइड वैनगार्ड बंडल। इंडिया सर्वर के ऊपर कन्फर्म हो चुका है कि यह बंडल आपको जो है 14 अप्रैल के दिन देखने को मिलेगा। इंडिया और BD के ऊपर एक नया फेड व्हील आने वाला है 14 तारीख के दिन। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरीके का फेड व्हील आपको देखने को मिलेगा, और ये जो बंडल है इसके अंदर आपको स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसका जो पीछे पीठ वाला हिस्सा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इफेक्ट वगैरह बन के आ रहा है। तो एक स्पेशल इफेक्ट का जो बंडल है ये आपको 14 तारीख के दिन देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये जो बंडल है वो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और क्या आप इस बंडल को निकालने वाले हो या फिर नहीं है। तो आने वाले तो बहुत सारे फेड व्हील है, मतलब देखो मैंने आपको कल की वीडियो के ऊपर बहुत सारे फेड व्हील दिखाए थे, मोको स्टोर दिखाए थे, लेकिन फिलहाल यही वाला कन्फर्म हुआ है इंडिया के लिए। बाकी जो मैंने दिखा रखे हैं वो भी आपको धीरे धीरे जो है किसी न किसी हमारे इवेंट वगैरह के ऊपर या फिर कभी ना कभी हमारे जो है यहाँ पे गेम के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, हमारे अप्रैल के लास्ट वीक तक या फिर मई के फर्स्ट वीक तक। अभी दोस्तों बात करते हैं अपकमिंग आने वाले कुछ टॉप अप इवेंट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो रमदान की लेजेंडरी बाइक की स्किन है इसको यहाँ पे टॉप अप इवेंट के ऊपर दिया गया है। तो 100 डायमंड या फिर 200 डायमंड का टॉप इवेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो काफी ओपी सी बाइक की स्किन दोस्तों यहाँ पे दी गई है, बाकी इसके साथ जो डबल डायमंड का टॉप इवेंट है वो भी दिया गया है। तो इंडिया सर्कल पर भी दोस्तों आपको ये जो बाइक की स्किन है वो यहाँ पे टॉप इवेंट में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया सर्वर के ऊपर अलग अलग इवेंट आएंगे, मतलब आपको 100% जो बोनस टॉप आने वाला है इसका एक अलग से टॉप इवेंट देखने को मिलेगा, और जो बाइक स्किन है इसका एक अलग से आपको टॉप इवेंट देखने को मिलेगा। मतलब दोनों का अलग अलग आएगा, जैसे यहाँ पर तो एक साथ ही मिक्स करके दिया है, लेकिन इंडिया में आपको ऐसा मिक्स करके नहीं देगा, इंडिया में आपको दोनों चीज़ें जो है अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो बाइक की स्किन तो दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा ओपी लगी है। बाकी अगर आपको डायमंड वगैरह परचेस करने हैं तो आप लोग जो है डबल डायमंड टॉप इवेंट का यहाँ पे वेट कर सकते हो। अभी दोस्तों बात करते हैं कुछ और आइटम के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ न्यू आइटम ऐड होने वाले हमारे ट्रेंड सेक्शन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हाल ही हमारी जो थीम है, इस थीम के कुछ आइटम यहाँ पे आने वाले हैं, जैसे कि कुछ हमारा हेड हो गया, ये हेड आप देख सकते हैं, और सरबोर्ड की स्किन वगैरह हो गया। तो कुछ न्यू आइटम यहाँ पे आने वाले हैं जो कि बहुत ही जल्द आपको हमारे इंडिया BD और सभी सर्वर के ऊपर देखने को मिलेंगे।
तो ये जो हेड है ये आपको कैसा लगा, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों एक MP40 की स्किन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो MP40 की स्किन का जो इफेक्ट वगैरह है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा OP है। हालांकि अभी इसके जो एट्रीब्यूट्स वगैरह वो पता नहीं चले कि कौन से एट्रीब्यूट्स रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों स्कार की स्किन भी आपको देखने को मिल जाती है, एक बैकपैक आपको देखने को मिल जाता है, तो बैकपैक भी जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है भाई, स्कूल का जो बैकपैक है उसी के टाइप का ही लग रहा है। तो गाइस ये जो बैकपैक है इसका जो इन गेम रिव्यू है वो भी आप लोग देख सकते हैं, गेम के अंदर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो साइज तो काफ़ी बड़ा है बट इसके अंदर जो एनिमेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी दोस्तों इसी थीम के ऊपर आपको जो है यहाँ पे एक बंडल भी देखने को मिल जाता है जिसका नाम है गस्टो फ्री रनर बंडल। तो ये जो बंडल है ये भी यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक है। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक फीमेल का बंडल भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो फीमेल का बंडल है ये आपको जो है टीम अप बोनस और जो बड़ी मार्ट है वहाँ पे देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है लेकिन दोस्तों ऐसा लीक यहाँ पे निकल के आ रहा है। बाकी इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। अभी दोस्तों बात करते हैं ईवो वर्ल्ड के बारे में। तो ईवो वर्ल्ड का जो इवेंट है 17 अप्रैल के दिन हमारे सर्वर के ऊपर यानी कि इंडिया सर्वर के ऊपर आने वाला है, आपको पता ही है। बाकी इसकी जो डिटेल वगैरह है वो मैंने आपको बता दी है। आपको यहाँ पे 1350 डायमंड देने पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग के कमेंट निकल के आ रहे थे कि भाई इसके अंदर हमारी जो M10 की स्किन है, ईवो M10 की स्किन है, वो यहाँ पे क्यों नहीं दी गई है। तो देखो ईवो M10 की स्किन भी दोस्तों यहाँ पे आने वाली है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं दिया है तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ईवो M10 की स्किन आने वाली है और हो सकता है कि इनक्यूबेटर की स्किन भी आपको देखने को मिले। मैंने आपको पीछे बता दिया कि क्यों आने वाली है, क्योंकि हमारी जो रेड वाली M1014 है वो हमारे अप्रैल मंथ में, हमारे मई मंथ में हमें गेम के ऊपर देखने को मिलेगी। तो आप लोग थोड़ा वेट करो, आपको बहुत ही जल्द हमारी ईवो M10 की स्किन भी देखने को मिल जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी दोस्तों बात करते हैं हमारे यहाँ पे नए BR रैंक सीजन के बारे में। तो 14 अप्रैल के दिन दोस्तों आपको हमारा नया BR रैंक सीजन देखने को मिलने वाला है, आपको पता ही है 14 तारीख के दिन। इसके अंदर जो रिवार्ड्स वगैरह है वो आप लोग देख सकते हैं, EOSC 80 की स्किन देखने को मिलने वाली है, कुछ बैंड्रा अवतार अभी आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो 14 अप्रैल के दिन आपको 2:30 बजे हमारा न्यू रैंक सीजन देखने को मिल जाएगा। तो अभी के टाइम पे दोस्तों क्या हो रहा है कि अगर आप गरीना से कोई भी चीज़ मांगोगे तो गरीना वाले तुरंत दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई वेपन रॉयल के अंदर गोल्ड से स्पिन करने का मौका मिल रहा है और मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे जो फ्री रिवार्ड्स हैं देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो गरीना वाले आजकल काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हमारा जो कालाहारी मैप है वो यहाँ पे BR रैंक में कब आएगा। तो गरीना वाले ने दोस्तों यहाँ पे बात मान ली है, हमारा जो नया BR का रैंक सीजन आने वाला है 14 तारीख के दिन, उसके बाद हमारा जो कालाहारी मैप है वो आपको BR रैंक के ऊपर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, गरीना वाले ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनका जो कालाहारी मैप है वो आपको नेक्स्ट सीजन से उनके BR रैंक वाले मैच के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आप लोग दोस्तों बताना कि आप लोग कितना एक्साइटेड हो, क्योंकि कालाहारी मैप के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे कमेंट निकल के आ रहे थे कि भाई इसको जल्दी ऐड करो। तो फिलहाल कालाहारी मैप ऐड हो चुका है, बाकी कुछ और भी चेंजेस अगर होंगे फ्यूचर में या फिर कोई नया अपडेट निकल के आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी दोस्तों बात करते हैं बड़ी मार्ट के स्टोर के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी मार्ट का जो है बैनर निकल के आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू रिवार्ड्स बड़ी मार्ट। और यहाँ पे दोस्तों CS रैंक का जो ड्रॉप कार्ड है और BR का जो ड्रॉप कार्ड है, क्योंकि अपना नया रैंक सीजन आने वाला है तो BR का जो यहाँ पे ड्रॉप कार्ड है वो दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इनक्यूबेटर के वाउचर, जहाँ दोस्तों बड़ी मार्ट के टोकन से आप जो इनक्यूबेटर के वाउचर हैं उसको भी एक्सचेंज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों वेपन रॉयल के वाउचर वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिवार्ड्स हैं कंफर्म हो चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं ये जो बैनर है इसके अंदर इतने सारे रिवार्ड दिखाए गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बंडल आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन निकल के आएंगे कि भाई क्या बंडल नहीं आने वाला है। तो देखो बैनर के ऊपर फिलहाल बंडल तो नहीं दिखा रखा है, लेकिन हाँ दोस्तों जरूर आपको बंडल भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि बंडल नहीं आएगा, बंडल भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के बाद देखने को यहाँ पे बंडल भी मिल जाए जैसे अपने ये वाले रिवार्ड्स यहाँ पे अपडेट होंगे। तो बंडल आपको फीमेल वाले देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले अपडेट के ऊपर मेल बंडल आए हुए थे, तो इस अपडेट के अंदर आपको फीमेल बंडल देखने को मिलेंगे। और फिर जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वहाँ पे आपको दोबारा से जो मेल बंडल है वो देखने को मिलेंगे। बाकी एक फीमेल बंडल मैंने पीछे भी आपको दिखाया था, तो उसके भी यहाँ पे चांस निकल के आ रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों अपना बड़ी मार्ट का। अब इसकी डेट के बारे में बात करें तो आज रात 12 बजे के बाद, जी हाँ दोस्तों टुनाइट अपडेट के तौर पर आपको बड़ी मार्ट का जो स्टोर अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है। आज रात 12 बजे के बाद आपको ये जो है हमारा अपडेट है बड़ी मार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो कल सुबह आप जो है बड़ी मार्ट टोकन से अपने जो रिवार्ड्स वगैरह उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों यार वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो है जरूर से जरूर करें।